प्रदेश संकट पर अपडेट आपको हम दे रहे थे। इस बीच आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह बेंगलुरु में बागी विधायकों से मिलने पर अड़े हुए हैं, जबकि विधायकों ने कहा है कि वो नहीं मिलना चाहते हैं। हम किसी से कोई बात नहीं करना चाहते। एक साल से हमने काफी बात सब लोगों से कर ली और एक साल से जब इन्हें हमारी नहीं सुनी तो अब एक दिन में क्या सुन लेंगे हमारी बात। मेरा तो ये कहना है कि अब ये फालतू का परेशान क्यों हो रहे हो, क्यों आ रहे हैं? ये सारे हमारे जो MLA हम लोग आए हैं वो अपनी स्वेच्छा से आए हैं, अपने दुख और पीड़ा के वजह से हम लोग आए हैं। हमारे क्षेत्र की जनता का कहीं कोई काम नहीं कर रहे थे। एक साल से हमारा बिल्कुल विश्वास टूट चुका, हम पब्लिक में जाने लायक नहीं रहे। हम इनके साथ नहीं जाएंगे। अगर वो आके गेट में बैठे हैं तो उनसे निवेदन है कि वो चले जाएं। अब बेवकूफ न बनाएं, बहुत बेवकूफ बन चुके हैं, इसलिए बड़ा इज्जत के साथ वहाँ चले जाएं। हम उनसे कोई बात करना नहीं चाहते हैं और हम पुनः निवेदन करते हैं कि वो अपने दल बल के साथ जो आए हैं वो वापस चले जाएं। हम अपने स्वेच्छा से हैं और रहेंगे, अब हम तो उनके साथ है ही नहीं। सीधे चलते हैं अपने संवाददाता जो कि भोपाल में है, रवीश पाल सिंह, कांग्रेस दफ्तर से हमारे साथ जुड़े हैं। रवीश, जो वीडियो सामने ताजा आया है उसमें साफ तौर पर जो बागी विधायक है उनका ये कहना है कि हम अपनी मर्जी से आए हैं और कांग्रेस हमें जबरदस्ती, वो कह रही है कि हम किसी दबाव में है, प्रेशर में है, बीजेपी का अलग आरोप है। ऐसे में सच्चाई क्या? कमलनाथ यहां तक कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो मैं भी बेंगलुरु चला जाऊंगा। जी बिल्कुल, ये अजब मध्य प्रदेश की गजब राजनीति है। जिस दिन विधानसभा का सत्र शुरू हुआ था 16 मार्च को, उसी दिन आज तक से बात करते हुए खुद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा था, जब हमने सवाल पूछा था कि क्या वो बेंगलुरु जाएंगे उन विधायकों से मिलने, तब उन्होंने कहा था कि मैं क्यों जाऊं। आज मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो मैं उनसे मिलने खुद बेंगलुरु जाऊंगा। राजनीति में ये होता है। और यहाँ पे जब हम बात करते हैं बागी विधायकों की, जो वीडियो जारी करके वो कह रहे हैं कि आज दिग्विजय सिंह वहाँ पहुँचे हैं, अब क्या करने आए हैं वो, जब उनका लगातार 1.5 साल से ये समस्या थी तब उनकी सुनवाई क्यों नहीं हुई और जब अब वो अपनी जिद पे अड़ गए हैं तब उनसे मिलने दिग्विजय सिंह वहाँ आए हैं। सिर्फ यही नहीं, थोड़ी देर पहले हम आपको ये बता दें कि कर्नाटका पुलिस को बाकायदा उन सभी 22 विधायकों ने एक चिट्ठी भी भेजी है। एक चिट्ठी भेज करके कहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के बड़े नेता, मंत्री यहां मध्य प्रदेश से बेंगलुरु में आकर के डट गए, उनसे मिलने की बार बार कोशिश कर रहे हैं, उनसे ही उन्हें उन 22 विधायकों को अब सुरक्षा चाहिए और यही चिट्ठी उन्होंने कर्नाटका पुलिस को भेज दी है। इस बीच उनका कहना है, अपडेट दे दे अपने दर्शकों को कि राज्यसभा में दिग्विजय सिंह के मामले पर लेकर हंगामा हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।